हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिक्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए, आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे कि आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज डन, बहुत ही इजी चैप्टर था। आई थिंक सो 10 से ऑलमोस्ट रिलेटेड था। ओके, तो जैसे कि हमने बहुत सारे फॉर्मूला देखी, हमने देखा साइन पाई बाय 3, कोस पाई बाय 6, बहुत सारी वैल्यूज देखी, राइट। लेकिन आपको एक चीज पता है कि साइन पाई बाय 6, साइन 30 की वैल्यू बोलो क्या है? 1/2। साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इज ऑल्सो 1/2। तो सिंपल, क्या 0 to 2π में ही 1/2 होता है, या तो फिर हर जगह पे 1/2 होता है? तो जितनी हमारी वैल्यूज मिलती है, वो बहुत सारे अननोन के लिए पॉसिबल है, और वही हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, लास्ट चैप्टर से कनेक्टेड है, लेकिन इस चैप्टर में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये सिंपल लास्ट स्टेप में आने वाला है। पहला तो हमें जो आता है वही करना है। ठीक है, लास्ट स्टेप में इतने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, 0 to 2π में कितने मिलेंगे, -4π to 4π में कितने मिलेंगे, तो आपका जस्ट बेसिक नॉलेज चेक करना है। क्या आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर पाते हो, क्या आप यूनिट सर्कल बना के सॉल्व कर पाते हो, या तो फिर आप एल्जेब्रिक मेथड n की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, यूँ प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हमें पता है यस एग्जैक्ट वैल्यू। अगर हम देखने जाए एग्जैक्ट वैल्यू, डन, साइन पाई बाय 6, साइन 30 की वैल्यू बोलो एग्जैक्ट कितनी है? 1/2। बट आपको अगर उल्टा पूछा जाए, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, यू हैव टू फाइंड थीटा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ थीटा मिल रहे हैं, टोटल कितने मिल रहे हैं, अननोन वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितने मिल रहे, वो हमें उल्टा कर सम फाइंड आउट करना है। इसी को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बाय 6। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट सर्कल सॉल्व कर सकते हैं। यस, पाई बाय 30 की वैल्यू, यस पाई बाय 6 की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? 1/2। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 बोलो, राइट। नेक्स्ट वन, ये पूरा सर्कल घुमा लिया, फिर 2π, तो 2π प्लस पाई बाय 6 ऑल्सो 1/2 बोलो, राइट। 3π माइनस पाई बाय 6 ऑल्सो 1/2। ओ माई गॉड, इसके तो बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। जैसे कि मैं सोचूं यहाँ पे 4π प्लस पाई बाय 6 ऑल्सो 1/2, 5π माइनस पाई बाय 6 ऑल्सो 1/2, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। जिस इक्वेशन में हम दो या तीन वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे फाइंड आउट करने, 0 to 4π में कितने, -4π to 4π में कितने, बस दिमाग को दौड़ाना है, दिमाग की बत्ती जलाना है और कुछ नहीं। बोलो क्लियर हो गए? तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसमें दो टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। फर्स्ट वन इज दैट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज दैट जनरल सॉल्यूशन। अब मैं एक बात बता दूं आपको, एक गुड न्यूज बता रही हूं, ध्यान से सुनना। ये वाला जो चैप्टर है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज था, 3.4। ये पूरी एक्सरसाइज निकल गई है बाय द वे, मतलब कि हमें एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन नहीं आने वाला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। बस
एक जेई में ये वाला पोर्शन है और एक एग्जाम्पल उसके रिगार्डिंग हर बार आता है। मतलब कि अगर 4 मार्क्स चाहिए तो बस बैठ जाओ मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने और एक पेन पेज ले लो, लिखते जाओ। मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ मुझसे पहले सॉल्व करो, बात खत्म। हाँ, अगर स्क्रीन के सामने बैठे हो मोबाइल के सामने तो थोड़ी आई से दूर रखना, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ। मोबाइल टीवी के सामने बैठो ओके, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ओके रहेगा, ठीक है, ये एक मेरा सजेशन है। चलो चालू करें। हाँ, चालू करने से पहले फिनिक्स इंस्टीट्यूट फिनिक्स एचयू को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ उसके सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास दो मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज द जनरल सॉल्यूशन। इफ आवर सॉल्यूशन लाइज इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to 2π then it is called principal solution and general solution जो बोलते हैं वो सारी values के लिए general solution। जितने भी बार हम unit circle को घुमा दो हमें बोलो क्या मिल जाएगा, general solution, बोलो right। तो अगर मुझे principal solution find out करना है, एक मैं principal solution का example दे रही हूँ, जैसे कि cos theta is equals to √3/2, बोलो राइट। cos theta की वैल्यू √3/2 वो भी 0 to 2π में कब पॉसिबल है? तो जैसे कि आप सबको पता है cos का √3/2 ओनली π/6 में पॉसिबल है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos है, यस और नो? ये π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 to 2π मतलब कि 2π - π/6, बोलो राइट। तो एक आंसर मुझे मिल जाता है π/6 और सेकंड आंसर मिल जाता है 11π/6, बोलो एकदम कड़क, समझ में आ गया सबको? तो हमारा यहाँ पे दो जो सॉल्यूशन मिल रहा है बोलो इसको हम क्या बोल देंगे, यस प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बोलो क्या बोल देंगे हम इसको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। सेकंड एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे आपके सामने, सेकंड वन, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/ और ओनली √3। चलो मुझे बताओ tan थीटा की वैल्यू जो है आपको √3 मिल रही, तो tan थीटा जो है √3 कब मिलेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, यस और नो? तो जैसे कि आपको पता है tan थीटा सिर्फ दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन। फर्स्ट वन अगर बोल रहे हैं √3 कब आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू π/3, और सेकंड वन वाला आंसर बोलो कब मिलेगा, यस π + π/3, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर π/3 और 4π/3 आंसर आ जाएगा, ये हमारा हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 के लिए आंसर, ओके। देन हम बात करें अनदर नेगेटिव के लिए, थर्ड वन, sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। हर जगह पे मैंने प्लस लिया था, यहाँ पे दिया गया है -1/2। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कैसे पॉजिटिव बट मुझे चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मिलेगा मुझे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट जब भी आप लेने जाओ बोलो आंसर क्या मिल जाएगा, π + π/6, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लेने जाओ बोलो आंसर में क्या मिल जाएगा, 2π - π/6, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7π/6 और 11π/6, विच आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बोलो राइट। तो एक मेरा आपको सजेशन है, अगर आप लेते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आप ले रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट टेक थीटा एज इट इज, सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो π - θ, थर्ड क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो π + θ, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ले रहे हो तो 2π - θ, बोलो डन डना डन लंडन। बस मेरी एक इसी बात को याद रखो, हो जाएगा सब सॉल्व ऑटोमेटिकली। तो ये हम बात कर रहे थे सिंपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, अब हम आ जाते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, सारे एन के लिए, सारे थीटा के लिए मुझे जनरल वे में बताना है कि साइन थीटा 1/2 कब होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए हम एक
फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि कब ये पॉसिबल है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया गया है, इसको हम इधर ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू जीरो। कौन सी फॉर्मूला बन गई, एस माइनस एस टू सी एस थीटा प्लस अल्फा बाय टू, सेम वे थीटा माइनस अल्फा बाय टू दैट इज इक्वल टू जीरो। बेटा ए बी इज इक्वल टू जीरो है, तो या तो फिर ए इज इक्वल टू जीरो या तो फिर बी इज इक्वल टू जीरो, एम आई राइट, यस और नो? ओके बच्चा लोग रेडी है ना, चलो। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय टू दैट इज इक्वल टू जीरो और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय टू दैट इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि आपको पता है कॉस जो है वो जीरो कब होता है, याद है सबको, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है? यस, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, यस यूनिट सर्कल बनाओ, कॉस जीरो ऊपर एंड नीचे एंड साइन जीरो आजू एंड बाजू। कॉस जीरो ऊपर नीचे जीरो हो जाता है, और जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जीरो वन जीरो माइनस वन, वन जीरो वन माइनस जीरो, कॉस की वैल्यू तो यहाँ पे पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू सेवन पाई बाई टू। तो कॉस जीरो कब होता है, ऑड पाई बाई टू, तो टू एन प्लस वन पाई बाई टू, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं। देन तो थीटा प्लस अल्फा बाय टू दैट इज इक्वल्स टू टू एन प्लस और माइनस वन पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू जेड। सेम वे साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, साइन कब जीरो होता है, आजू एंड बाजू, पाखे आ गई है साइन को, साइन आजू एंड बाजू जीरो होता है, यहाँ पे इवन पाई यहाँ पे ऑड पाई, मतलब सारे पाई पे साइन जो है जीरो हो जाता है। तो साइन थीटा माइनस, यहाँ पे बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाय टू दैट इज इक्वल टू एन पाई। ओके, तो आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, यस थीटा इज इक्वल टू 2n pi plus alpha, okay, n belongs to z, मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 2n pi plus alpha। यहाँ पे क्या आ रहा है exactly, theta is equal to 2 गिल्ले 2n plus or minus 1 pi minus alpha, n belongs to z, बोलो right, तो दोनों मुझे आंसर्स मिल गए हैं। अब दोनों आंसर्स को गौर करना, गौर से देखिएगा, if even pi is there अल्फा ऐड करो, इफ ऑड पाई इज देयर देन अल्फा को माइनस करो। तो एग्जैक्टली साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या बताना चाहता है, समझ में आ रहा है सबको? अगर आपके पास यहां पे ऑड पाई है तो माइनस करो, इवन पाई है तो प्लस करो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर में ये बताना चाहते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रिस टू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अगर एन इवन है तो प्लस अल्फा, अगर एन ऑड है तो माइनस अल्फा। तो जनरल वे में हमारा आंसर पॉसिबल हो गया, बोलो परफेक्ट समझ में आ गया, यस और नो? चलो फिर से एक बार, थ्रू मैं आपको यूनिट सर्कल एक्सप्लेन कर रही हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, बोलो राइट, साइन की पॉजिटिव वैल्यू मुझे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रही है। ओके, अगर हम इवन पाई ले रहे हैं तो हमें प्लस करना है, अगर हम ऑड पाई ले रहे हैं तो हमें माइनस करना है, बात खत्म। इवन पाई ले रहे तो प्लस, ऑड पाई ले रहे हैं तो माइनस। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा। इफ यू आर टेकिंग एन इज इक्वल टू इवन तो ये भी माइनस वन रेस टू इवन प्लस अल्फा, इफ यू आर टेकिंग एन इज इक्वल टू ऑड माइनस वन रेस टू ऑड माइनस अल्फा। बोलो क्लियर है, जो मैंने सिखाया यहाँ पे बाय मैथड वो मैंने यहाँ पे एक मिनट में सिखा दिया। इफ इट इज इवन पाई यूनिट सर्कल में, इफ इट इज एन इवन पाई एड दिस, इफ इट इज एन
ऑड पाई सब्ट्रैक्ट दिस. बोलो क्लियर? तो आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड. बोलो परफेक्ट. अब बात करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा की, ठीक है, माइंड में रखना. चलो सेम वे, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, सी माइनस सी माइनस टू एस एस, थीटा प्लस अल्फा बाय टू, सेम वे थीटा माइनस अल्फा बाय टू दैट इज इक्वल टू जीरो. या तो फिर ये पोर्शन जीरो, या तो फिर ये पोर्शन जीरो. तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाय टू दैट इज इक्वल टू जीरो, और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय टू दैट इज इक्वल टू जीरो. ओके आगे बढ़ते हैं. साइन कब जीरो होगा? एन पाई पे. यहां पे भी साइन कब जीरो होगा? इफ साइन इज डूइंग अ जीरो देन टेक एन पाई. तो साइन को हमें निकाल देना है. बच्चे बहुत ही यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, साइन को निकाल देने और यहाँ पे एन पाई लिख देते हैं. नो, साइन जीरो हो रहा है कब? एन पाई पे. कब? एन पाई पे. तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई, यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई. तो बोलो आंसर क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा. बोलो राइट, यस और नो? तो अगर सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो यहां पे बोलो एग्जैक्ट आंसर आपको क्या मिल रहा है? ध्यान से देखना. इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, बोलो आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई, वन टाइम माइनस अल्फा, सेकंड टाइम प्लस अल्फा. वन टाइम माइनस अल्फा, सेकंड टाइम प्लस अल्फा. तो टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड. बात खत्म. बट मुझे ये पूरी मेथड जो है ना वो सॉल्व नहीं करनी है. कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आपको डायरेक्ट यूनिट सर्कल्स के सिखा रही हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब भी आपको दिखाई दे कॉस अल्फा, तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. इवन पाई प्लस, इवन पाई माइनस, खत्म. क्या आंसर आएगा? अगेन इवन पाई प्लस, इवन पाई माइनस, इवन पाई प्लस, इवन पाई माइनस, टू एन पाई प्लस, टू एन पाई माइनस. बस थ्री फॉर्मूला पे ये हमारा चैप्टर डुका हुआ है. प्रिपेयर करो, आंसर लाओ, इजी वाला चैप्टर, ठीक है. नेक्स्ट वन, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, सेम वे टेन थीटा माइनस टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू जीरो. टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू जीरो. साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो. फॉर्मूला सबको पता है, साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो. साइन कब जीरो होगा? एन पाई पे. थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड. अब आपको ये लगेगा, मैम ये पूरा क्या डिराइव करने की जरूरत थी? अगर आपको सिंपल दिया गया है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन कब पॉजिटिव होता है बेटा? टेन कब पॉजिटिव? फर्स्ट में एंड थर्ड में. इवन पाई है तो भी प्लस, ऑड पाई है तो भी प्लस. इवन पाई है तो भी प्लस, ऑड पाई है तो भी प्लस. तो यहाँ पे मेरा आंसर तो डायरेक्ट बन रहा है बेटा. सिंपल, जब भी आपको दिया गया है कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, बोलो क्या करोगे? सिंपल है बॉस, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड. बोलो बात समझ में आ गई? ओके, एक एग्जांपल तीनों के रिगार्डिंग ध्यान से देखना. अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन के बारे में फाइंड आउट करना है, सिंपल एक एग्जांपल बता रही हूँ. टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, फर्स्ट मेरा काम. टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री कब पॉसिबल होता है? पाई बाय सिक्स. टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाय सिक्स, बोलो डन. तो थीटा का आंसर बोलो क्या आ जाएगा? सिंपल,
एन पाई प्लस पाई बाय सिक्स वेर एन बिलोंग्स टू जेड। एकदम इजी सॉल्यूशन हो गया, एकदम इजी, परम लल्लू, खत्म। कब? अगर ये वाली फॉर्मूला आपके माइंड में होगी, अगर नहीं भी हो ना तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू, उसी हमें प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। चलो ध्यान से देखिएगा, इसको यहां पे ला दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल्स टू जीरो। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो और साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन पाई, या तो फिर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू एन पाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा और थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन पाई माइनस अल्फा और यहाँ पे एन पाई प्लस अल्फा। तो दो आंसर्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक आंसर मिल रहा है एन पाई प्लस अल्फा, दूसरा आंसर मिल रहा है एन पाई माइनस अल्फा। दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर हमारे पास दिया गया है तो बोला आंसर में क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। एन पाई प्लस अल्फा एंड एन पाई माइनस अल्फा दोनों सॉल्यूशंस को मुझे मिलाना है, दोनों सॉल्यूशंस को। एक एग्जांपल यहाँ पे सिंपल वाला छोटा सा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर, क्या दिया जाता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर। बोलो क्या करोगे, पहले तो आप लिखोगे उसको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर मीन्स वन बाई टू का स्क्वायर, वन बाई टू कब होता है साइन में, साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, बोलो राइट। तो थीटा इज इक्वल टू आंसर में क्या लिख दोगे, एन पाई प्लस और माइनस पाई बाई सिक्स वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। बोलो क्या कोई डाउट है इसमें, एकदम ले लो सिंपल चार फॉर्मूला पे टिका हुआ चैप्टर। ये वाली फॉर्मूला आ गई, मतलब कि मान लो कि चैप्टर पूरा आ गया। बोलो सबको समझ में आ गया? चलो फर्स्ट वन, याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली, मैं खुद लिखने वाली हूँ, मैं पीपीटी में लिख कर नहीं लाई हूँ। क्यों? मैं अगर खुद लिखूंगी आपको माइंड में मेमोराइज हो जाएगा। डन, फर्स्ट वन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, बोलो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, सेकंड वन, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, बोलो थीटा इज इक्वल्स टू टू एन प्लस और माइनस वन पाई बाय टू वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, बोलो राइट। थर्ड वन, tan theta is equals to 0, again same, theta is equals to n pi, n belongs to z. Fourth one, cot theta is equals to 0, again same, bolo cot theta is equals to 0, same answer, 2n plus or minus 1 pi by 2 n belongs to z. Cot theta kab 0 hoga? Jab cos theta 0 hoga tab. Tan theta kab 0 hoga? Jab sin theta 0 hoga tab. बोलो ये चारों समझ में आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वन, फिफ्थ, फिफ्थ वन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बता रही हूं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, बोलो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा where n belongs to z. Sixth number, अगर आपके पास दिया जाता है cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to z. Seven, अगर आपके पास दिया जाता है tan theta is equals to tan alpha, ठीक है, tan theta is equals to tan alpha, then theta is equals to n pi plus alpha, where n belongs to z. And the last one, sin square theta is equals to sin square alpha, cos square theta is equals to cos square alpha,
एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तीनों के लिए एक क्यों, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर वन वन गिन ले, मतलब कि जो सॉल्यूशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का है वही सॉल्यूशन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का है। समझ में आ रहा है? ये हमने तीनों चारों जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखा, ये एक फॉर्मूला, ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया, और ये तीनों के लिए सेम है, sin square theta is equals to sin square alpha, cos square theta is equals to cos square alpha and tan square theta is equals to tan square alpha. बोलो theta is equals to n pi plus or minus alpha where n belongs to z. It is necessary to write n belongs to z. अदरवाइज आप क्या ले लोगे, n के कोई भी वैल्यू ले लोगे वो चलेगा नहीं। बस ये माइंड में हर बार प्रिपेयर करके जाओ, ऑटोमेटिक चैप्टर आ जाएगा, हर बार प्रिपेयर करके जाओ, इतना ही बस इंपॉर्टेंट है। एक बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। बोलो डन, नेक्स्ट। ये आ गया, मैंने सिखा दिया आपको, ये दोनों के लिए cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha, आंसर n pi plus or minus alpha, आंसर n pi plus or minus alpha। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व cos theta is equal to 1/2। रेडी, cos theta 1/2 कब होगा माइंड में डेवलप करो, cos pi by 3, आप cos pi by 3 भी लिख सकते हो, cos 2 pi minus pi by 3 भी लिख सकते हो, whatever you want to write। ओके, चलो फॉर्मूला याद करो, cos theta is equal to cos alpha, जल्दी से cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to 2 n pi plus or minus alpha, तो यहाँ पे theta is equal to 2 n pi plus or minus alpha, alpha means pi by 3, where n belongs to z, उसको बना दो box, बात खत्म। sec 2 theta is equal to minus 2 upon root 3, sec 2 theta is equal to, चलो क्या कर सकते हैं, sec 2 theta के regarding sec की value वो भी minus, sec में नहीं आता है, उल्टा कर दो, cos में convert कर दो, बोलो cos 2 theta is equal to minus root 3 by 2, बोलो right। अगर आपको sec, cosec, cot कुछ भी दिखाई दे जो आता है उसमें convert कर दो, cos 2 theta is equal to minus root 3 by 2, cos फर्स्ट एंड फोर्थ में कैसा पॉजिटिव, तो माइनस कहाँ कहाँ पे होगा, यहाँ पे इन दोनों पे, रूट थ्री बाय टू लेना है, मतलब कि पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, तो कहाँ पे पाई बाय सिक्स, पाई माइनस पाई बाय सिक्स लिखो या तो फिर पाई प्लस पाई बाय सिक्स लिखो, बोलो कहाँ लिखना है, पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ओके, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय सिक्स, बोलो चलेगा, देन cos pi minus pi by 6 के पे बोलो कैसा, root 3 by 2, so 2 theta is equal to 2 n pi plus or minus pi by 6 where n belongs to 0, मुझे 2 theta नहीं चाहिए, value किसकी चाहिए, theta की, तो n pi plus or minus pi by 12 where n belongs to 0, okay, done, third number, अब देखो ये third आ रहा है tan square theta is equal to 1 के लिए, क्या करेंगे, ये बेटा आपके क्लासरूम डिस्कशन वाले का सारे क्वेश्चन है, हाँ क्लासरूम डिस्कशन, टीचर्स डिस्कशन सब मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, सो डोंट वरी, आपके सारे यहाँ पे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, बोलो टेन कब वन होता है, टेन स्क्वायर पाई बाई फोर के लिए, और जैसे कि आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, बोलो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत इजी वाला पोर्शन है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा पाई बाई फोर वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ओके, नेक्स्ट वन, फोर सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू फाइव प्लस टेन स्क्वायर थीटा फोर थीटा, मुझे इसको सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, कोई एक में कन्वर्ट कर दो, फोर सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू फाइव प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, तो फोर प्लस फोर टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू फाइव प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ला दो फोर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा थ्री टेन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे ले जाओ वन, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो ये कब पॉसिबल है बेटा वन बाई थ्री, यस
टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन वन पॉइंट रूट थ्री कब पॉसिबल है? यस, टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स. तो आंसर में आ जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाई सिक्स, एन बिलोंग्स टू जेड. जैसे कि मैंने आपको बोला था, या तो फिर ग्राफिकल मेथड, या तो फिर यूनिट सर्कल मेथड, या तो फिर एन वाली मेथड. आप एन इज इक्वल टू वन पुट करो पाई प्लस पाई बाय सिक्स, एन इज इक्वल टू वन पुट करो पाई माइनस पाई बाय सिक्स, एन इज इक्वल टू टू पुट करो टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स, टू पुट करो टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स. डन. फिफ्थ नंबर, साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन द जनरल वैल्यू ऑफ द थीटा इज, जनरल वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. आर यू ऑल रेडी? साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको यहाँ पे ला दो. साइन थ्री थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो एस माइनस एस टू सी एस. डन. थ्री थीटा प्लस थीटा फोर थीटा बाय टू, दैट मीन्स टू थीटा. थ्री थीटा माइनस थीटा टू थीटा बाय टू, दैट इज टू थीटा. ओके, तो यहाँ पे आंसर में कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो और साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. कॉस कब जीरो होता है मैंने आपको सिखाया, सेट ऑफ जीरोस. यस, तो टू थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस और माइनस वन पाई बाय टू, वेयर एंड बिलोंग्स टू जेड. और साइन थीटा कब जीरो होता है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एंड बिलोंग्स टू जेड. बोलो, इसको टू से डिवाइड कर दो तो टू एन प्लस और माइनस वन पाई बाय फोर, एन बिलोंग्स टू जेड. बोलो कौन सा आंसर आ रहा है हमारा? जो भी आंसर आ रहा है उसको ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाओ. अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट का रूल था कुछ ऐसे, हमें लिखना है दोनों सॉल्यूशंस को यूनियन करके. बोलो कौन सा आंसर आ रहा है? यस, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. एन पाई एंड टू एन प्लस वन पाई बाई फोर. ओके, सेम है, सेम क्वेश्चन. एन पाई टू एन प्लस वन पाई बाई फोर. ओके, नेक्स्ट वन. टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू थ्री. टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू थ्री. चलो ध्यान रखना, टेन स्क्वायर थीटा थ्री कब मिल रहा है? टेन में बोलो कब थ्री आ रहा है? रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर. ऐसा बोल सकते हैं टेन थीटा में रूट थ्री कब पॉसिबल है? बोलो बेटा, टेन थीटा में रूट थ्री पाई बाय थ्री. यस, तो टेन स्क्वायर पाई बाय थ्री. तो थीटा इज इक्वल टू, बोलो आंसर में क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस और माइनस पाई बाय थ्री, एन बिलोंग्स टू जेड. बोलो क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस और माइनस पाई बाय थ्री, एन बिलोंग्स टू जेड. नेक्स्ट वन, चलो देखते हैं. थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ कैसे लोग किया जाए? मस्त क्वेश्चन है, ध्यान में रखना. थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, कोई एक में कन्वर्ट करो. टेन स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते. थ्री साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू जीरो. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में दो या तीन आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या वेरीफाई करना है? हमारे ऑप्शंस में से क्या आ रहा है वो वेरीफाई करना है. ऐसा नहीं होता तुम्हारा जो आंसर आया वो गलत है. हाँ, कोई ने मेथड कोई और की हो तो आंसर्स डिफर हो सकते हैं. थ्री साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो. और एक बात हमें से याद रखना, ऑलवेज साइन थीटा कैंसिल नहीं कर सकते. साइन थीटा को आप क्या कर सकते? कॉमन निकालो. कैंसिल कब होता है? इफ साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर जीरो है तो आप कैंसिल कर सकते, नहीं है तो यहाँ पे हम क्या निकल सकते बेटा? कॉमन. बोलो राइट. तो साइन थीटा जो है वो हमारा कॉमन निकल जाएगा. अब क्या बाकी बचा? थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो. तो या तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, या तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, यस और नो? क्लियर हो रहा है माइंड में? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं.
साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मेरा आंसर बन गया है थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। सेम वे यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, कोई एक में कन्वर्ट करो, कोई एक में कन्वर्ट करो, थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस ये तो हमारा क्वाड्रेटिक बन गया और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है। अब आपको कुछ ऐसा लग रहा है मैम हमारे यहाँ पे कौन सी मेथड करनी है समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट में मैं आपको टाइप वाइज सिखाने वाली हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई भी ऐसा बड़ा इक्वेशन दिया जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन सी मेथड्स है इसके लिए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन थीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मुझे दो आंसर्स मिलने वाले, फोर वन ज़ा फोर, फोर प्लस वन माइनस बाय टू बाय टू, तो ये वाला प्लस वाला तो चले गया नहीं, साइन थीटा प्लस टू, तो आंसर में आ जाएगा टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू, साइन थीटा में पाई बाय सिक्स मतलब कि एन पाई प्लस माइनस वन रिज टू एन पाई बाय सिक्स आंसर आ जाएगा, डन। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशंस मिल रहे मैं आपको सिखा रही हूँ वो एक मैथडोलॉजी फॉलो करने, टाइप वन टाइप टू मैं आपको बता रही हूँ, और ये मेरा जो सेशन रहेगा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो आप जरूर से देखेगा, वो आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मस्त है वो वाला क्वेश्चन, टाइप वन एंड टाइप टू से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हमें ये कैसे सॉल्व करना है। बोलो रेडी, तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए इस लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यस कमेंट कीजिए, बताइए हमें कैसे लगे वीडियोस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, गुड बाय एवरीवन।